हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्रिएटर्स सुपर 30 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सेम टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। कुछ पार्ट हो चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। आज हम लोग पार्ट फाइव करने जा रहे हैं। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट फाइव करेंगे। तो पार्ट फोर में रूल नंबर 16 तक पहुंचे हुए हैं। अब आज उसके आगे करते हैं। रूल नंबर 16 में यह था नथिंग बट के बाद अलग अलग नाउन आएंगे। वो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। और इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ तक हम लोग सीख चुके थे। और जो पहली बार इस क्रिएटर सुपर 30 चैनल पर आए हुए हैं, इस पिछले पार्ट को देख लेंगे तो और बेटर होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नए रूल से। रूल नंबर 17 जो पार्ट फाइव है, पार्ट फाइव में रूल नंबर सेवेंटीन में नाइदर के बाद आने वाला नाउन एसियन होंगे। एसियन मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एसियन मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इन ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा मीन्स ये सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ईच एवरी आइदर नाइदर का, इनके बाद हमेशा नाउन एसियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर रहेंगे। ठीक है माय डियर। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। इनके एग्जांपल इनके एग्जाम्पल ईच बॉय इज रेडी टू हेल्प हिम। ईच बॉय इज रेडी टू हेल्प हिम। सी सब्जेक्ट सिंगुलर तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। मीन्स
इसका मतलब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। अगर यहाँ कोई सब्जेक्ट प्लूरल आता तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाता, रॉन्ग होता, इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल नंबर 18। रूल नंबर 18, रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 में क्या है देखते हैं। ईच, एवरी, ईच, ईच नहीं, ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर के बाद आने वाला ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ का यूज किया जाएगा। यहाँ ऑफ का यूज किया जाएगा, ऑफ का यूज किया जाएगा ईच, एवरी, आई, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। लेकिन अगर ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया है तो इसके बाद आने वाला नाउन, नाउन प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल होंगे। लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब, इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट कन्वे कर रहा है। ठीक है, पिछले क्लास में, ठीक है, पार्ट 4 तक करा चुका हूँ। कुछ पार्ट 4 में मीन्स इसमें जितने भी पार्ट हैं, पार्ट 4 या 3 में, 3 या 4 में, शायद पार्ट 4 में ही बताए हैं कुछ कंसेप्ट प्रीपोजिशन से रिलेटेड। ठीक है, कि अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद, कोई प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, कोई प्रीपोजिशन के बाद, किसी प्रीपोजिशन के बाद, यह प्रीपोजिशन है ऑफ, आपका प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ऑब्जेक्ट कभी, ठीक है, मीन्स जो वर्ब होते हैं कभी ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज नहीं होते, वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होते हैं। वो सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट प्रीपोजिशन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट एक ही प्रीपोजिशन आया हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में, तो जो फर्स्ट प्रीपोजिशन होते हैं उस फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले जो नाउन या प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट आते हैं उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज किया जाता है। तो पिछले क्लास में ईच, आइदर, नाइदर के बारे में बताए हैं कि यदि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं क्योंकि प्रीपोजिशन के पहले आया है और प्रीपोजिशन के पहले ही सब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट बनते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट बनते हैं। इसलिए इनके अनुसार वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, इनके फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसलिए अगर ये कंसेप्ट पता नहीं होता प्रीपोजिशन वाला, प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, तो उस तो वर्ब तो भाई आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यूज होता नहीं है, सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। यहाँ जितने भी ये सब्जेक्ट बन रहे हैं ये सब सिंगुलर में माने जाते हैं और इसलिए अपने बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है माय डियर
स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं इस कंसेप्ट को? बिल्कुल शानदार कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को बार बार आप लोग रिविजन करेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इस कंसेप्ट से शायद बहुत सारे आप समस्या को, प्रॉब्लम को, ठीक है, हल कर सकते हैं। चलिए अब इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ द Each of the boys, each of the boys has a pair. बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिया गया है आपके सामने। Each of the boys has a pen. Each of the boys has a pen. अब देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल सिंगुलर है क्योंकि जस्ट हम आपको कंसेप्ट समझाया, ठीक है, उस कंसेप्ट के अनुसार आपका वर्ब सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। और कुछ और दो एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Either of either of the boys is are a doctor. Either of the boys is are a doctor. See. अगेन सब्जेक्ट सिंगुलर, अगेन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे न कि प्लूरल होंगे, ठीक है। आइदर का कंसेप्ट ये होता है, आइदर दो के लिए यूज किया जाता है, दो के लिए यूज करते हैं, ओनली टू, नाइदर ओनली टू, आइदर दो में से कोई एक, नाइदर मीन्स दो में से कोई नहीं, है ना। आगे देखते हैं, नाइदर Neither neither of them was word doing my work. Neither of them was were doing my work. See, again, subject singular. See, of के बाद आने वाला pronoun plural है, ठीक है, आने वाला pronoun plural है। See, कोई भी objective के बाद थोड़ा प्रोनाउन का कंसेप्ट है, कोई भी प्रीपोजिशन के बाद वो हम कोई भी प्रोनाउन आएगा, वो प्रोनाउन हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। कोई भी प्रोनाउन आए प्रीपोजिशन के बाद वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है, देम ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन जो वर्ब यूज किया जा रहा है इसके अनुसार नाइदर के अनुसार, नाइदर सिंगुलर माना जाता है, नाइदर हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल से बिल्कुल ये रूल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो आज इस रूल को आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, है ना माय डियर स्टूडेंट्स।
आगे नेक्स्ट नेक्स्ट रूल को थोड़ा देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 19, रूल नंबर 19 को देखते हैं, ठीक है। और रूल नंबर 19 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम ए बी सी पार्ट में बांटे गए हैं, ठीक है। तो पहले ए पार्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। ए पार्ट में आपका ए पार्ट में आइदर प्लस नाउन और प्रोनाउन, आइदर के बाद नाउन और प्रोनाउन, और इनके साथ ओ आर और आइदर के बाद नाउन और प्रोनाउन, इनके साथ पेयर और आता है, फिर इसके बाद नाउन एंड प्रोनाउन, बट वर्ब, जो वर्ब यूज होंगे वो वर्ब यूज होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। नियरेस्ट मीन्स ये जो वर्ब यूज होगा आपका इस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार यूज होगा, नाउन और प्रोनाउन के अनुसार होगा। ये जो नाउन प्रोनाउन, इनके नंबर यहाँ फिक्स नहीं है, सिंगुलर भी आ सकते हैं, प्लूरल भी आ सकते हैं। नाउन सिंगुलर भी आ सकते हैं, नाउन प्लूरल भी आ सकते हैं, है ना। प्रोनाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकते हैं। इसके अनुसार ही ये सब्जेक्ट, इसके अनुसार ही यहाँ पर आपका वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के अनुसार ही आपका वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट रूल बी में रूल देखते हैं क्या है। रूल बी, नाइदर नाइदर प्लस नाउन प्रोनाउन नॉर प्लस नाउन प्रोनाउन वर्ब जो वर्ब यूज होंगे इस सेकेंड नाउन प्रोनाउन के अनुसार। सेम रूल फॉलो करेंगे ए बी और सी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सेम रूल फॉलो करेंगे ए बी एंड सी, ठीक है। आज इनके एग्जाम्पल और जो सी पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। इनके जो ए बी और सी और इनके एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।